नमस्कार, मैं अनित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स की खबरें। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आ रही है, जहां आरपीआई किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने जयकुमार पांडे। और आपको बता दें, फतेहपुर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किसान मोर्चा की मासिक बैठक नहर कॉलोनी के निरीक्षण भवन में आहूत हुई। बैठक का हफ्ता रहिया, जिला अध्यक्ष मधुसूदन तिवारी ने बैठक संपन्न किया। ये डालते हैं रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर एक नजर। आज बैठक जो हो रही है फतेहपुर जनपद में, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष आरपीआई जय कुमार पांडे जी को बनाया हमने, और महिला मोर्चा से मीना सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया है, जिला उपाध्यक्ष रिंकी जायसवाल को बनाया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में हम पंचायत चुनाव लड़ा रहे हैं आरपीआई के माध्यम से। पूरे प्रदेश में कहीं से दो कहीं से चार सीटें जिला पंचायत में आरपीआई लड़ा रही है। साथ ही हम भाजपा से ये उम्मीद करेंगे, उनसे मांग करेंगे कि जहां हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो अपना प्रत्याशी हटा करके हमारा सपोर्ट करें, और उनके जितने प्रत्याशी हैं हम पूरे प्रदेश में उनका सहयोग करेंगे। क्या नाम है? रामदत्त मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा आरपीआई आठौले। क्या बैठक हुई है? आज आरपीआई की सभा में हमें फतेहपुर का किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और हम यह दृढ़ संकल्पित हैं कि हम तन मन से गरीबों की, किसानों की, जो हमारे परिवार में शामिल हुआ है उसकी हम सेवा करेंगे। यही हमारा दृढ़ संकल्प, और हम ये चाहेंगे कि हम अपने ज़िले में जितने भी प्रत्याशी उतारेंगे वो भाजपा के साथ अलायंस से हों तो अच्छे हैं, यदि भाजपा के साथ अलायंस से नहीं होंगे तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है, हम अपने चुनाव स्वयं लड़ाएंगे। ये ज़िले का हमारा फरमान है। जय कुमार पांडे, किसान मोर्चा अध्यक्ष आरपीआई। क्या आज सर आरपीआई संगठन की बैठक हुई है, जिसमें हम महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराया गया कि वो आगे चल के हम क्या अधिकार ले सकते हैं और कहाँ पे हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है, संगठन से हम क्या मजबूती कर सकते हैं, और उसी के द्वारा हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होंगे और लड़ाई भी आगे लड़ते रहेंगे। क्या नाम है? रिंकी जायसवाल, छिवला है। क्या पद है जी? पद क्या है? हम जिला उपाध्यक्ष हैं, इसमें महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष।